खुदा ए खुदा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही लजीना अस्तफा अम्मा बादु फकद कालल्लाहु तबारक वतआला في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो। صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم। बुजुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ नौजवानों, मैं तो बहुत लंबे सफ़र से आ रहा हूँ और मुझे आगे सफ़र करना था, मगर ये हज़रत मुफ्ती साहब जो आपके इमाम और ख़तीब हैं, उन्होंने और दोस्तों अहबाब ने रोक लिया कि ईशा बाद बयान नहीं, मगरिब बाद है, तो मगरिब बाद बयान करके निकल जाना। तो मैंने इनकी दावत मंजूर कर ली, तो अल्लाह ने तकदीर में लिखा होगा, वरना मेरे ख्वाबो ख़्याल में भी नहीं था कि आज आप हजरात से मुलाकात होगी। अल्लाह ताला मेरे और आपके इस बैठने को कबूल फरमाए। माहौल के हिसाब से लंबा बयान करना भी मुनासिब नहीं है, मुझे सिर्फ काम की बातें अर्ज़ करनी हैं। शुरू में ये कहता हूँ, सबसे काम की बात और अकल में आने वाली बात कि गाड़ी बिगड़ जाए तो आप मैकेनिक को पकड़ेंगे, लाइट का काम बिगड़ जाए, पंखा फ्रीज बिगड़ जाए तो आप इलेक्ट्रिशियन को पकड़ेंगे, मोबाइल बिगड़ जाए तो मोबाइल के रिपेयर करने वाले को पकड़ेंगे, और जब दीन का मामला हो तो आदमी को चाहिए, मुसलमान को चाहिए हमेशा आलिमों और मुफ्तियों से पूछे। भाई ज़ोर से जवाब दो, सही बात है गलत बात है, इंसाफ की बात है। और मैं आपको साफ साफ बात कहूँगा, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। शबे बरात की फजीलत जो है हदीसों में आई है, मगर हदीसें इतनी मजबूत नहीं हैं। एक बात ध्यान में रखो, शबे बरात साबित है, उसमें इबादत करोगे सवाब मिलने ही वाला है, कोई शक नहीं, और आप करेंगे, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। मगर शबे बरात का जिक्र कुरान पाक में कहीं नहीं आया है, कहीं भी नहीं। शबे कदर का जिक्र, जो रमज़ान की बड़ी रात तलाश करने का हुक्म है, उसका जिक्र कुरान में कई जगहों पर आया है, और अहादीस में तो ढेर की ढेर हदीसें आई। हदीस है शबे बरात के बारे में, मगर उसकी सनद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मजबूत नहीं है। एक बार, मगर एक दूसरा अमल है जिससे शबे बरात की फजीलत साबित है, कि हर ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ज़माने से उम्मत का तवातुर अमल रहा है हमेशा हमेशा, कि इस रात में इबादत उम्मत ने की है, लिहाजा बोलो इंशाल्लाह हम भी करेंगे तो अल्लाह हमारी इबादतों को और दुआओं को कबूल करेगा ही करेगा। तो उम्मत का अमल ये भी एक दलील है, ये नहीं कि इसी ज़माने में हमने शुरू किया है, हर ज़माने में शबे बरात में उम्मत के इबादत का रिवाज और सुन्नत रही है, लिहाजा ये एक दलील है उलमा के पास, लिहाजा इसमें इबादत करनी चाहिए। 12 बजे के बाद आप तहज्जुद पढ़िए, मगरिब के बाद टाइम मिल जाए अव्वाबीन पढ़िए, और ईशा के बाद कुछ वक्त कुरान पाक की तिलावत में लगाइए, कुछ वक्त है ज़िक्रुल्लाह में लगाइए, कुछ दुरूद शरीफ में लगाइए, कुछ अस्तग़फ़ार में लगाइए,
और रात के पिछले पहर तहज्जुद पढ़ना है तो फजर की अजान से आध पौन घंटे पहले, सुबह सादिक से पहले पढ़ लो, या 12 बजे के वक्त शुरू हो जाता है तो कुछ वक्त तिलावत में, जिक्रुल्लाह में, दुरूद शरीफ में, इस्तगफार में, और उम्मत ने हमेशा अमल किया है लिहाजा करना चाहिए। मगर मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि उम्मत जो काम गलत कर रही है, आलिमों को चाहिए कि गलत करते हों तो उन्हें बताएं। बड़ी रात जो तलाश करने का हुक्म है वो रमज़ानुल मुबारक में है। पूरे मजमे में से आवाज़ आनी चाहिए, बाहर वालों से भी। ज़ोर से बोलो, बड़ी रात कब तलाश करना है? रमज़ानुल मुबारक। उसका जिक्र कुरान पाक में बहुत जगह आया है, बहुत जगह ताकीद फरमाई, और हदीसों में तो सैकड़ों हदीसों में आई। बहरहाल ये बात शबे बरात के बारे में कहनी थी तो कह दी, अब मैं रमज़ान के बारे में आगे चलूँ, वक्त बहुत कम है। अल्लाह ताला ने जो मैंने आयत शरीफा पढ़ी उसमें अल्लाह ताला शानहु ने एक बात इरशाद फरमाई कि मुसलमानों, जो तैयारी करने का महीना है वो रमज़ान का महीना। ये महीना सरदार है सारे महीनों का। अल्लाह ताला ने इस महीने को इज्जत अता फरमाई है, अपने यहाँ भी और अपने बंदों के दिलों में भी इज्जत अता फरमाई, यहाँ तक के गैर मुस्लिमों के दिलों में भी अल्लाह ने इस महीने की इज्जत अता फरमाई। एक बार अभी कुछ दिनों पहले मैं रमज़ान में सफ़र कर रहा था, गुज़िश्ता साल इंडिया ही में था, कहीं सफ़र नहीं कर सके, तो एक रिक्शे से जा रहा था और एक गैर मुस्लिम बीड़ी पी रहा था, तो दूसरे गैर मुस्लिम ने कहा कि देखो भाई ये बहुत बुरी बात है, इनका रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और हम रिक्शे में जो है हम बीड़ी पी रहे हैं। गैर मुस्लिम ही ने कहा। इससे मालूम हुआ, बोलो ज़ोर से बेशक, गैर मुस्लिमों के दिलों में भी अल्लाह ने रमज़ान की इज्जत उतारी। बोलो भाई, उतारी नहीं उतारी? तभी तो उसने कहा, मेरे कानों से सुना मैंने कि आप बीड़ी, तो उसने फ़ौरन बीड़ी फेंक दी कि वो रोज़ेदार को तकलीफ़ होगी। तो अल्लाह के यहाँ तो उसकी इज्जत है ही, और इज्जत सबसे बड़ी यह है कि कुरान पाक अल्लाह की जो आसमान और ज़मीनों का मालिक है, बोलो ज़ोर से बेशक, उसकी आखिरी किताब कुरान पाक है। ज़ोर से बोलो बेशक। और उस किताब को किसी और महीने में उतारना शुरू नहीं किया। कुरान तो 23 बरस में उतरा धीमे धीमे, मगर कुरान की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द कुरान, वो रमज़ानुल मुबारक में शुरू किया, और रमज़ानुल मुबारक में भी शबे कदर को चूज़ किया अल्लाह। शबे कदर, महीना रमज़ान का, मगर पूरा मजमा बोलो सबक याद रहे, रात कौन सी? शबे। उस वक्त कुरान को उतारना शुरू, मालूम हुआ कि शबे कदर सबसे ज़्यादा पावरफुल अमल है अल्लाह के, सबसे ज़्यादा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है जिसमें हमने कुरान को उतारना शुरू किया, और 23 बरस में धीमे 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 23 बरस में मुकम्मल किया, क्योंकि सारी आसमानी किताबों की सरदार थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात एक ही वक्त में उतारी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर एक ही वक्त में उतारी, एक ही वक्त में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील एक ही वक्त में उतारी, सूफ़े इब्राहिम पर मूसा एक ही वक्त में उतार दी, एक साथ उतार दी। मगर कुरान इज्जतों वाली किताब थी सारी आसमानी किताबों में, तो उसके उतारते उतारते अल्लाह ने उसमें 23 बरस का टाइम लिया, इसलिए इज्जतों वाली किताब थी। और जिस उम्मत पर उतारा, ज़रा बोलो बेशक, अल्लाह को भी मालूम होना चाहिए ना, ये उम्मत अपने आप को इज्जत वाली समझती है। सारी उम्मतों की सरदार उम्मत मुहम्मदिया के लिए कुरान उतारा, बोलो बेशक, सारी उम्मतों की सरदार। महीना चूज किया रमज़ान का, रात चूज की शबे कदर, सारी आसमानी किताबों की सरदार, और जो लेकर आए जिब्रील वो सारे फरिश्तों के सरदार, जिस नबी पर उतारा गया, ज़रा और ज़ोर से बोलो बेशक, वो सारे नबियों के सरदार, जिस ज़मीन पर उतारा गया मक्के शरीफ मदीने पाक, वो सारी ज़मीनों की सरदार, और जिस ज़माने में उतारा गया वो सारे ज़मानों का सरदार, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना। बहरहाल ये महीना बड़ा मुबारक महीना है। कितना मुबारक, शॉर्ट में बयान करूँ, आज तफसील बयान करने का टाइम नहीं, माहौल के हिसाब से। अल्लाह ने फरमाया, इतना बरकत वाला मैंने बना दिया, एक दो रकात नफल पढ़ोगे तो मैं तुम्हें दो रकात फ़र्ज के बराबर सवाब दूंगा, रमज़ान में पढ़ो। और अगर फ़र्ज़ अदा किया तो फरमाया, फ़र्ज़ नमाज अदा की, फ़र्ज़ रोज़ा अदा किया,
वाजिब अदा किया तो फरमाया 70 फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा। आइए मैं आपको उसकी दलील दे दूं। बुखारी शरीफ में यह हदीस आई, मन तमारा फी रमजान कान कमन हज जमाई। आप अंदाजा लगाओ रमजान का सवाब कितना ज्यादा, जिसने रमजान में उमरा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मैं आखिरी नबी हूं, नबियों का सरदार हूं, मेरे साथ हज करने के बराबर सवाब है अगर रमजान में उमरा किया। अब आपको क्या चाहिए, बुखारी की हदीस है, सबसे सही हदीस है। इससे अंदाजा लगाओ, जैसे हर आम का मौसम आता है कैरी का और मैंगो का, हर फ्रूट का मौसम आता है और वो अल्लाह ताला इसको सस्ता कर देता है। जब बेहिसाब फ्रूट तैयार होगा तो सस्ता होगा, और जब चीज़ें शॉर्ट हो जाएगी तो महंगी हो जाती है। अल्लाह ताला ने इसको सस्ता कर दिया कि जाओ नफल अदा करो फर्ज का सवाब, फर्ज अदा करो 70 फर्ज का सवाब। रमजान में उमरा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर, एक कुरान पढ़ा बेहिसाब सवाब। रमजान में जकात अदा की, रमजान के बाद अदा करोगे फर्ज तो अदा हो जाएगा मगर रमजान का सवाब अल्लाह किसी को नहीं देगा। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने इसके दिन की इबादत रोजा बतलाई, रात की इबादत मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो सब मिलकर जोर से बोलो, कौन सी रात की इबादत कौन सी बतलाई? तरावी। पीछे से आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो भाई, रात की इबादत तरावी। पूरे 24 घंटे को ये दो काम में घेरा अल्लाह ने, दिन की इबादत रोजा, रात की इबादत तरावी। पूरे साल में अल्लाह ने कोई नमाज का हुक्म नहीं दिया, इशा बाद अगर जमात के साथ पढ़ने का हुक्म दिया तो क्या रमजान में चंद रकातें 20 रकात इमाम के पीछे पढ़ो, एक कुरान मुकम्मल होगा। कभी पूरा कुरान तुम्हें नसीब नहीं होगा इमाम के पीछे पूरा सुनने का, एक घंटा अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, एक घंटा खड़े हो जाओ। हम लोग बसों में, ट्रेनों में, बस स्टेशनों पर, एयरपोर्टों पर बेहिसाब लाइन लगाते, सरकारी ऑफिसों पर घंटों घंटों लाइनें रहते हैं। अगर अल्लाह के सामने जन्नत का मजा लूटने के लिए अगर एक घंटा खड़े रहे रमजान में, बोलो ना भाई इंशाल्लाह का मुश्किल काम है, बोलो इंशाल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था बड़ा मुबारक महीना, बेहिसाब सवाब, और जिसको रमजान मिला और उसको रमजान की नमाजें और रोजे नसीब नहीं हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे वो बड़ा बदनसीब इंसान है जिसको रमजान में नमाज और रोजे नसीब न हो। और एक सही हदीस में फरमाया जिसने नमाज रोजे पढ़कर अल्लाह से अपनी माफी नहीं मंगवाई उससे बड़ा बदबख्त और बदनसीब इंसान कौन, ये कौन होगा जिसने रमजान में नमाजें छोड़ी, जिसने रमजान में तरावी छोड़ी और रमजान का रोजा छोड़ा। चंद घंटे रोजा रखना है, दुनिया का भी फायदा बतलाया हदीस में, सुमु तसिहु, रोजा रखो तंदुरुस्त रहो। मैं कल एयरपोर्ट जा रहा था सुबह सवेरे, तो मैंने देखा कि सैकड़ों मर्द और औरत दौड़ रहे रिवर फ्रंट पर, है ना, रिवर फ्रंट। क्यों? पहले खूब खाया, मीठा खाया, गोश्त खाया, सबने चर्बियां बढ़ाई, अब रोजे रख रहे। देख ले जाको, जॉगिंग करने वाले को देखो, रोजे खाना एक टाइम कम कर देते हैं, हल्का फुल्का खाते हैं, एक ब्रेड और अंदर जरा सा जो है सादा सिंपल जो है सलाद खाते हैं और कुछ नहीं खाते, क्योंकि अब चर्बी बढ़ा भी उसको उतारो, रोजा रख रहे हैं। रोजा रखने से तंदुरुस्ती होती है, यही चीज कि अल्लाह ने तुम्हारा सारा साल का खाया पिया कचरा जो जमा हुआ है, साइंटिफिक हदीस में फरमाया रिसर्च कि अगर रोजा रखोगे तो अल्लाह उस कचरे को रमजान के रोजों की बरकत से, जरा जोर से बोलो बेशक, अल्लाह उसके जरिए तुम्हें तंदुरुस्ती अता करता है। और रूहानी फायदा ये लअल्लकुम तत्तकून, अरे तुम अल्लाह से करीब हो जाओगे रोजा रख, करीब हो जाओ। तकवा, गुनाहों से बचने का पावर रमजान के रोजों से नसीब होता है। कोई आदमी के पास निकाह करने की ताकत नहीं, पैसा नहीं है, ध्यान से सुनो काम की बात बतला रहा हूं, रोजा क्या चीज है। मिशकात शरीफ किताबुन निकाह की पहली हदीस, फरमाया मुस्लिम नौजवानों निकाह कर लो, और फरमाया निकाह करने की ताकत नहीं है तो माशाल्लाह ये पत्थर वाली मस्जिद वाले तो कितने खुश नसीब है, कितने लोगों को कोई हाफिज जी इमाम मिलता है, कोई मौलवी साहब मिलता है, आपको तो हाफिज भी कारी भी ने मुफ्ती भी मिल गए घर बैठे मसाइल। भाई बोलो ना ईमानदारी से, बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बोलते क्यों नहीं भाई, जोर से बोलो ना, मुफ्ती साहब मिले हैं ना आपको, तो फिर आपको तो घर बैठे मिले हैं, घर बैठे गंगा है,
कुछ भी मसला हुआ नमाज के बाद फौरन चले जाओ, कितनी फतावा की किताबें इनके पास है। मुफ्ती साहब से पास जाओ आप कि मुफ्ती साहब मेरे पास तो निकाह करने का पैसा नहीं है, क्या करेंगे, जीना करने की इजाज़त देंगे आप? आप सवाल कर सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं जवान आदमी हूँ, क्या करूँ? तो मुफ्ती साहब कहेंगे कि जनाब शरीयत इस्लाम यूँ कहती है कि रोज़ा अगर निकाह करने की ताकत नहीं है तो आपको जीनाकारी करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं, उसकी जगह आपको रोज़ा रखने का हुक्म है। ये रोज़ा तुम्हारी शहवानी और सेक्स की ताकत को ख़त्म करेगा, अल्लाह ने इसमें गुनाहों के बचने का, बोलो ज़रा ज़ोर से बेशक, पावर रखा है। भाई बोलो ना, ज़रा बोलो ना, आप लोग ज़ोर से नहीं बोलोगे तो दूसरी बार आऊँगा नहीं। आप भी देखते हैं कि मौल साहब आते जाते मिल जाते हैं, इसलिए घर की मुर्गी ये भी दाल बराबर, ऐसा सोचोगे तो कभी नहीं आएंगे। इतना थका हुआ हूँ, इतना कल रात बिस्तर पर 4 बजे गया बिहार में, 4 बजे, 4 बजे मेरी दुआ हुई, ख़त्म हुई, और उसके बाद जो है 2 घंटे सोए, उठ गए, फजर पड़ी और फिर फौरन सफ़र किया है। आप समझो क्या बात कह रहा, दुनियावी फायदा रोजे का है, तंदुरुस्ती मिलेगी 11 महीने के जो कचरा जमा हुआ, और उखरवी फायदा यह है रोजा रखोगे, बोलो बेशक गुनाहों से बचने का, जोर से बोलो बेशक पावर मिलेगा। आप मुफ्ती साहब के पास गए कि मुफ्ती साहब हमारा बीमार आदमी है, बहुत सख्त बीमार है, और डॉक्टरों ने यह कहा कि अगर शराब 5 ml शराब यानी दारू वाइन ये अगर पिला दें तो ये बीमारी का इलाज है, तो मुफ्ती साहब कहेंगे कि अगर हाँ जान बच सकती है तो 5 ml शराब की इजाज़त है, अलबत्ता एक पॉइंट और ज़ोर से बोलो, ज़्यादा पिलाने की इजाज़त नहीं। तो वहाँ जान बचाने के लिए शराब हराम है, मगर उतनी इजाज़त दे दी जान बचाने के लिए, मगर पूरा मजमा बोलो निकाह करने की ताकत नहीं है तो जीना करने की इजाज़त ज़ोर से बोलो नहीं दी। देखो अल्लाह की कुदरत कि उसका बदल रखा है, रोज़ा रखो ये रूहानी ताकत देगा, ये सेक्स के पावर को, शहवानी ताकत को ख़त्म करेगा, गुनाहों का जहन तोड़ेगा, इतना पावर है अल्लाह, ये रोज़े का फ़ायदा है। चलो सब मिलकर बोलो, पीछे से आवाज़ नहीं आ रही, इंशाल्लाह बोलो कि मरते दम तक कभी रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। अरे अभी तो कयामत की निशानियाँ बिल्कुल करीब आ गई, चंद बरसों में दुनिया को उठा के फेंक देगा। अभी मैंने मोबाइल देखा मगरिब से पहले रास्ते में, 133 धरतीकंप है आज, 133 मगरिब से पहले, रोज़ाना 200 धरतीकंप हो रहे, टाइम में से अल्लाह ने बरकत उठा ली। अभी लॉकडाउन शुरू हुआ था, अभी ये आ गया, मिशकात शरीफ की हदीस है जब जीनाकारियां पूरी दुनिया में भर जाएगी तो अल्लाह ताला टाइम में से बरकत को उठा लेगा। ये देखो इस्लाम में पावर तो देखो, रूहानियत नूरानियत, 1 बरस 1 महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे में, घंटा मिनट में, मिनट सेकंड में। ईमानदारी से बोलो जरा जोर से बेशक, हम आपको लॉकडाउन शुरू हुआ था ये 1 साल गुजर गया, बोलो भाई लगता है कि 1 साल हुआ, ऐसा लगा 1 महीना हुआ। खुल्लम खुल्ली कयामत की निशानियां, बगैर मौसम के बारिशें शुरू हो जाए, महाराष्ट्र में घुटने घुटने पिछले 10 दिन पहले बारिश हुई, इधर हरियाणा में हुई, पंजाब में हुई, कल बिहार में था, बिहार वालों ने कहा हमारी यहाँ भी हुई, बगैर मौसम के बारिश अल्लाह की नाराजगी का सबब, और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा नाराज होते जीनाकारियों से, ओके नौजवान करते ज्यादा, बुढ़े आदमी का काम नहीं। अल्लाह ताला आमीन कहो, मुबारक रात, अल्लाह जीना के ख्याल से भी बचाए। मैं अर्ज कर रहा था रमजान की हर नफल पढ़ो फर्ज का सवाब, नफल इबादत है, सुन्नत है तरावी, मगर आपको फर्ज का सवाब मिलेगा, फर्ज का सवाब। और रमजान मुबारक में तिलावत करो, बेहिसाब कुरान की तिलावत खत्म करने का सवाब मिलेगा। पहले 10 दिन रहमतें मांगो दुनिया और आखिरत में, दूसरे 10 दिन गुनाहों की माफी के मांगो, अल्लाह माफ कर दे, तीसरे 10 दिन जहन्नम की आग से पनाह मांगने के मांगो, तो और टाइम में से बरकत उठा ली गई। रमजान तो आप याद करना ईद का जब चांद देखे, रमजान इस तरह गुजर जाएगा जैसे 1 हफ्ता निकल गया, 1 हफ्ते की तरह। भाई बोलो ना, निकल रहा नहीं निकल रहा? टाइम में बरकत ही नहीं है, ये सब अल्लाह के हाथ में, कोई दुनिया के बादशाह के हाथ में नहीं। मैंने इंटरनेट पर अमेरिका से अभी न्यू हर मंथली एक किताब निकलती है, कॉलेज जाने वाले लड़कों के लिए कह रहा हूं, जो साइंस का आप जिक्र करते हैं वो साइंस इस्लाम की गोद में आकर बैठ गया। इस किताब का नाम ही है द साइंस,
हर महीने निकलती अमेरिका से। मैंने उसमें कयामत के बारे में रिपोर्ट पढ़ी कि दी साइंटिस्ट सेज, साइंस वाले यूं कह रहे, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल टू ऑल मैनकाइंड फ्रॉम गॉड। कह रहे दुनिया खत्म होने के लिए खुदा की तरफ से आखिरी कॉल आ चुका है। आप एयरपोर्ट पर जाओ, आपका बोर्डिंग पास निकल गया, फ्लाइट उड़ने की तैयारी है, आपका माल पास हो गया, आप इधर उधर पेशाब खाने में गए या सो गए बैठे बैठे। अब वो अनाउंस करेगी कि ये पैसेंजर कहाँ हैं, आप अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो फ्लाइट उड़ जाएगा। भाई ज़रा जल्दी जवाब दो ना, ऐलान करते नहीं करते? करते हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया गाड़ी रवाना होने का या हवाई जहाज उड़ने का। साइंस वाले अल्लाह की कसम खुदा के घर में बैठा हूँ, कह रहे दुनिया तोड़ने के लिए उसने आखिरी कॉल इंसानों को दे चुका है, अब कोई कॉल आने वाला नहीं। साइंस वाले कह रहे हैं तुम्हारे अपने धर्म के मुताबिक जो करना हो करो, कुछ होने वाला नहीं। द फाइनल डे इज नॉट फार, दुनिया का आखिरी दिन अब बहुत दूर नहीं। और हमें साइंस वालों पर कोई मान नहीं, वो कबूल करे या ना करे, बुरा मजमा बोलो जोर से बेशक हमें अल्लाह और नबी पर ईमान। जो निशानियां बताई थी एक एक खुल खुल कर सामने आए, अब कयामत करीब है। तो जरा जोर से एक बार, जोर से पूरी ताकत के साथ बोलो, अल्लाह के फरिश्ते तो आज बहुत ज्यादा तादाद में होंगे, वो गवाही देंगे इंशाअल्लाह। अगर कयामत करीब है तो ईमान वालों के लिए बोलो इंशाअल्लाह जन्नत भी करीब, वादा बिल्कुल पक्का। मैं और आप सच बोल बोलकर झूठ बोलकर वादे से हट जाते हैं, बोलो बेशक अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है। वादा किया है जन्नत में पहुंचाने का तो वो करेगा। अब दूसरी बात ये है, रमजान मुबारक में एक तो नमाजों की पाबंदी, नमाज की ऐसी पाबंदी करें जैसे पहली सब और तकबीर उला। और उसका आसान तरीका, इमाम साहब और मौजिन से पहले पहुंच जाओ तो समझो कि आप रमजान में काम। अब सुस्ती वाला काम, रमजान महीनों का सरदार है, महीनों का सरदार है। जैसे हर तरह आ रहे हैं, एक रकात जा रही, दो रकात जा रही, ना ना ना, रमजान के बाद मस्जिदें वैरान इसीलिए हो जाती है, कुरान ने इशारा किया है लअल्लकुम तत्तकून पर हमारा पूरा अमल नहीं। हमारी रकातें छूट रही, तकबीर उला छूट रही, पहली सफ छूट रही है। अब कैसे आपको जो है रमजान की नूरानियत मिलेगी? वुजू बराबर नहीं करते, रमजान में हर जुमा को नाखून साफ करने चाहिए, मूंछों को कतरवाओ, दाढ़ी को बढ़ाओ, ये रमजान से नियत कर लो। दो तीन साल पहले पाकिस्तान के क्रिकेटर है सकलेन मुश्ताक, उनसे मुलाकात हुई इंग्लैंड में। उनकी दाढ़ी तो यहां तो निकलती नहीं, कुदरती यहां निकलती नहीं उनकी। अभी हमारे नौजवान को कहेंगे कि मौलाना हमारी पूरी दाढ़ी निकलती नहीं तो अच्छा नहीं लगता, इनके बकरा दाढ़ी लगती, शर्म आती। वो सकलेन मुश्ताक, उसने मुझे कहा मेरी तालीम अमेरिका में हुई, इंग्लिश तालीम। इसी तरह सईद अनवर, हाशिम अमला, ये सब टॉप लेवल के वेल एजुकेटेड पर्सन है। उनको दीन के कामों में आए, अल्लाह का खौफ आया, कोई शर्म नहीं आती। आज वो दाढ़ी के साथ, सईद अनवर ने मुझे, अरे सईद अनवर नहीं, सकलेन मुश्ताक ने मुझे कहा कि मौलाना जब से ये दावत और तबलीग के काम में लगा हूं, अल्लाह का फजल है, कभी शबे कदर मेरे हाथ से छूटी नहीं। ये दीन की बरकत है। आज नियत कर लो, उनको वो अवेल है, वो अमेरिका में तालिम हुई, उनको दाढ़ी रखने में शर्म नहीं आती। तो हम रमजान से नियत कर ले, पूरे मजमे में से इंशाअल्लाह की आवाज आनी चाहिए कि इंशाअल्लाह वल अजीम, हम इंशाअल्लाह ये सुन्नत जो हर नबी की सुन्नत है, बोलो इंशाअल्लाह हम शुरुआत करें। मैंने आपको आगे भी कहा था, इंडिया के पुराने प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मैंने 5 फुट करीब से देखा था दिल्ली विद्या भवन में, इतनी बड़ी दाढ़ी, मगर ये लोग अंदर गांठ मारते हैं, ऐसे गांठ मारते, उनको शर्म नहीं आती, तो हमको क्यों शर्म आए भाई? हम तो मुसलमान है। नियत कर लो कि दाढ़ी की सुन्नत को जिंदा करना रमजान मुबारक के साथ। ये ईमान की कमजोरी है कि हम सब गलत गलत सोचा करते हैं कि दाढ़ी रखेंगे तो ये होगा। अरे दाढ़ी रखेंगे दुनिया की कौमें तुम्हारी इज्जत करेंगे, कोई मजाक नहीं उड़ाता, आज तक हमारी किसी ने कोई मजाक नहीं उड़ाई, लोग इज्जत करते हैं ट्रेनों में बसों में। हमको जो है ये दे देते कि आप बैठ जाओ, आप ये करो, आप वो करो। रमजान एक तो मूछों को कतरवाने का हुक्म, दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म है। रमजान किस तरह गुजारना होगा? रोजाना गुसल करने की आदत डालो,
सदरात साहबा फरमाए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को कौल मुअत्ता इमाम मालिक में है कि जब पानी नहीं मिलता था तो हम हर जुमा को गुसल करते थे, और जब पानी मिलने लगा कुन्ना नख्तसिलु कुल्ल यौमिन मर्रतन, हम रोज़ाना गुसल करते थे। रमज़ान में कम से कम रोज़ाना गुसल की आदत डालो, बदन पाक, कपड़े पाक, दो जोड़ी कुर्ते पायजामे। आज अगर दुनिया भर के आलिमों को पूछो कि भाई सुन्नत का लिबास कौन सा, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पहना था कोई देखने नहीं गया, कोई बता नहीं सकता कि आप सलासम का लिबास कैसा था। तो अब उलमा ने फतवा दिया, हर जमाने के अहलुल्लाह का और अल्लाह वालों का जो लिबास है वही सुन्नती लिबास कहलाए। भाई समझ में आ रही बात आप लोग? तो दो जोड़ी कम से कम ऐसे सिलवाओ, पांचों वक्त नमाज में आओ, हर देखे कि भाई अल्लाह का वली दिख रहा, अल्लाह का वली दिख रहा। कुर्ता पायजामा दो एक सिलवा दो। कांग्रेस में बीजेपी में आते हैं तो लोग कॉटन के कपड़े कुर्ता पायजामा पहनाते हैं, मैं तो रमज़ान के लिए दावत दे रहा हूँ आपको, कांग्रेस में आए तो कुर्ता पायजामा कॉटन का सिलवाते हैं, बीजेपी में आए या और कोई पार्टी में आए तो भाई अल्लाह के लिए अल्लाह वालों का लिबास पहनो। एक काम तो ये करना है, बोलो ना इंशाल्लाह करोगे। और एक काम में ख़ास गफलत है जो मैं फतावा नकल करता था हज़रत मुफ्ती अहमद बेमात साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ गुजराती में, जब मैं छोटा सा था 15 बरस का, मैं SSC करके गया था, राइटिंग अच्छे थे ज़रा, तो मुफ्ती साहब कह रहे कि फतवे का मैंने जवाब दिया, इसका चौपड़े में उतारो इसको, तो वो फतवे पढ़ता रहता था। तो उससे अंदाज़ा आता है कि एक सुन्नत जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, बदन के बालों की सफाई, बगल के बाल, पेशाब और पाखाने की जगह के बाल, 40 दिन अगर आप साफ न करें 40 दिन के बाद तो कबीरा गुना में, बड़े गुना में आप दाखिल हो जाते हैं, बड़े गुना, नाखून काटना, मूछें कतरवाना, इसी में बदन के बालों की सफाई। कम अज कम महीने में 2 बार बदन के बालों की सफाई होनी चाहिए। हजरते सहाबा फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों की सफाई हर जुमा को फरमाते थे, हर जुमा। अल्लाह ताला हमें सफाई सुथराई के साथ, आमीन को जरा जोर से, अल्लाह हमें सफाइयों करने की तौफीक अता फरमाए। खुशबू लगाए, मर्दों को खुशबू लगाने का हुक्म है, खुशबू कैसी ज़रा हल्की लगाए, ऐसा नहीं लगाए कि किसी का सर चक्कर खा जाए, गुलाब है, मोगरा है, ज़रा हल्का लगाए। मस्जिद मुअत्तर हो जानी चाहिए, पूरी खुशबूदार होनी चाहिए। औरतों को लगाने की इजाज़त नहीं, मर्दों को लगाने की इजाज़त है। और नमाजें जब पढ़ोगे आप तो ये नहीं कि एक रुकू किया अभी सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ा फौरन उठ गए, ज़रा रमज़ान में सुकून से पढ़ो, वक्त निकालो, 7-7 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम, कम से कम 7-7 मरतबा सुबहान रब्बिल आला, और हर नमाज के रुकन को सुकून से अदा करो। खुदा की कसम वो मज़ा आएगा, वो मज़ा आएगा जो बादशाहों को, बोलो बेशक उनके महलों में नज़र नहीं आता। अल्लाह हमें माह मुबारक की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का रोज़ा छोड़ा और नमाजें छोड़ी अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं करेगा। हदीस में, मुफ्ती साहब से पूछ लेना आप, हदीस में यही महीना माफ़ी का है, साल भर का गुनहगार अल्लाह से यहाँ कर माफ़ी मांग ले तो अल्लाह माफ़ करने के लिए तैयार। और इस रमज़ान में एक और काम, ज़कात का मसला, ज़कात के मसले में फतावा तो आप मुफ्ती साहब से पूछ ले, मैं आपको हाईलाइट बता देता हूँ। आपके पास, आप साहिब निसाब हो गए, आप पर ज़कात वाजिब हो गई, तो अब आप पर 1 लाख रुपये पर 2500 रुपये आप पर ज़कात वाजिब। और रमज़ान में और ज़्यादा खैरात करो लिल्ला, मरहूमों के इसाले सवाब के लिए, अपने लिए बेहिसाब सवाब मिलेगा। हजरते साहबा फरमा रहे हैं, आप सलासम रमज़ान में 2 काम नफल चीज़ों में बहुत ज़्यादा करते थे, तो फरमाया वो क्या? तो फरमाया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रात को आते थे तो कुरान का सुनना सुनाने का माहौल बहुत होता था रात को। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर खैरात अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ऐसा होता था, फरमाया करीहिल मुरसला, जैसे तेज़ हवाओं का तूफान चलता है और मकानों को उखाड़ के फेंक देता है, फरमाया इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत रमज़ान में बहुत तेज़ हो जाती थी। बोलो ना इंशाल्लाह करेंगे ना भाई, इंशाल्लाह। सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को ज़कात दो जो ज़कात के मुस्तहिक, उनके बाद नंबर 2 पर मदरसे वालों को दो। मदरसे वाले बेचारे पिछले साल भी नहीं आए सके थे। मुसलमानों, इतना महंगा काम है, मुझे पूछो कि ये मदरसा चलाना, कि हुकूमत चलाना आसान है, वहाँ तो सिर्फ ऑर्डर करना है, हुकूमत के खजानों में पैसे पड़े, मगर मदरसे चलाना, 1500 से ज़्यादा मकतब मैं खुद चलाता हूँ, 1500 से ज़्यादा। अभी जिन मदरसों में गया था वो हमारे मदरसे, हमारे ही मदरसे चल रहे बिहार में, उनका जायज़ा भी लेना था 24 घंटे में, सारे जो मकातिब उनके जिम्मेदारों को जमा किया था एक ही जगह,
क्या क्या चल रहा है, तालीम कैसे, ये सब चीज मुसलमानों इतना महंगा काम है कि अल्लाह की पनाह। और गरीब इलाकों में हुकूमत पैसा नहीं देती, आपकी जो ज़कात जारी है, गरीब बच्चे बिहार के, बंगाल के, मध्य प्रदेश के, कश्मीर के, कन्याकुमारी के और कहीं के भी हो, जिनकी औलादें यतीम हैं या गरीब है, माँ बाप है मगर गरीब है, साइकिल रिक्शा चलाते हैं, मजदूरियाँ करते हैं, उनकी औलादें हाफिज़ कुरान बनेगी, आलिम बनेगी, कोई मुफ्ती बनेगी। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामद बरकातुम का एक बयान सुना, फरमाया मुसलमानों तुम्हारे पैसे मदरसों में जाते हैं, मेरे पास पढ़ने के ज़माने में इतने पैसे नहीं थे कि मैं मदरसे को फ़ीस अदा करूँ, तुम्हारे पैसों से मैंने इल्म सीखा और अब मैं उन मदरसों से जो मैंने खाया था अल्लाह ने मुझे दिया तो मदरसे को मैं बढ़चढ़ कर देता हूँ। अब वो हज़रत मौलाना इब्राहिम देवला साहब ने जो मदरसे की रोटी खाई 10 साल तक, अब उनके इल्म का फैज़ आज पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। बोलो बेशक बोलो ने भाई, पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा है? तो ये आपका पैसा लगा, अल्लाह आपकी कब्र में मौलाना का फैज़ जहां भी पहुंचा आपके पैसे से उन्होंने इल्म सीखा है, तो इंशाअल्लाह अजीज ज़रा जवाब दो सब मिलकर, बेशक बोलो, अल्लाह आपके पैसे को ज़ाया नहीं करेगा, उनको जो सवाब मिलेगा वो सवाब आपको मिलेगा, आप ज़रिया बने, मदरसों का ख्याल करो। अभी मस्जिद का ऐलान हुआ है, मस्जिद बनाने की है, उन्होंने आपको ऐलान किया, बता दिया एक मुसल्ले का कितना है, तो दिल खोल कर दो, आपके आपके इलाके की, आपके शहर की मस्जिद है, अल्लाह आपको तौफीक दे। बहरहाल मैं ये कह रहा था, ज़रा दिल खोलो, रमज़ान मुबारक, कंजूसी छोड़ो, अल्लाह बहुत देगा, है तो देना है, सर पर कर्ज़ है, मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि खर्च करो, सर पर कर्ज़ है मैं उनको नहीं, जिनको अल्लाह ने दिया है, दिल खोल कर दो, रमज़ान का सवाब बाद में आपको नहीं मिलेगा, रमज़ान के रोज़े छोड़े बाद में कज़ा की, कज़ा तो हो जाएगी मगर हदीस में रमज़ान का रोज़े का सवाब, रमज़ान के महीने का सवाब रमज़ान के बाद नहीं मिले। बहरहाल ये अर्ज़ करना चाह रहा था, अब उसमें एक आखिरी बात है, रमज़ान में शबे कदर को तलाश करना। अल्लाह ने फरमाया अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। आप हर साल सुनते हैं, अल्लाह ने इसका सवाब क्या बतलाया कि ए मुसलमानों रमज़ान के रोज़े नमाज़ें और रमज़ान में एक रात हमने उतारी है स्पेशल, उसका जिक्र कुरान में आया। पहले सब मिलकर बोलो ने भाई, इस रात का जिक्र कहाँ आया है? अल्लाह की किताब में आया। फरमाया 1000 महीने खड़े खड़े इबादत करने का सवाब, 1000 महीने कुरान में लिखा है, इक्वल 1000 मंथ। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ, उससे भी बेहतर, और बेहतर भी मेरा और आपका नहीं, अल्लाह का बेहतर। अल्लाह अकबर, वो तो क्या बेहतर होगा, 1000 महीने इबादत करो। 1000 का मैंने टोटल लगा के देखा, 83 बरस और 4 महीने। अच्छा ये सूरत क्यों उतरी, उसका बैकग्राउंड जल्दी से सुन लो 2 मिनट में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बहुत गमगीन बैठे हुए थे, बहुत ध्यान से सुनो, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गमगीन क्यों हैं? फरमाया मेरी उम्मत के एक मसले में सोच रहा था तो मैं दुखी हो रहा था। फरमाया क्या? कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को 60-70 बरस की उम्र दी, पिछली उम्मतों को 1000-2000 बरस की उम्र दी, तो वो उनकी नेकियां ज़्यादा होंगी और मेरी उम्मत 700-70 बरस में क्या करेगी, तो जन्नत में मेरी उम्मत पीछे रह जाएगी। बस ये सोचकर मैं दुखी हो रहा था, गमगीन था इसीलिए। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को खबर है आप क्यों दुखी है, मुझे सूरह इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र उतार कर ही मुझे आपके पास भेजा है और आपके दुख का मुदावा और इलाज बनाकर भेजा है, आज आप खुश हो जाओ। हदीस पाक के अल्फाज है, अल्लाह ने फरमाया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात पूरी हो जाए, पूरे हर मुसलमान सुभान अल्लाह बोले जोर से, फरिश्ते गवाही दे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत अगर रमजान के नमाज और रोजे की और तरावी की कदर कर ले और शबे कदर को तलाश कर ले, मैं सारी उम्मतों से पहले रमजान और शबे कदर की बरकत से जन्नत में पहले पहुंचा। ये बैकग्राउंड है इस सूरत का, गोया रमजान और शबे कदर की बरकत से हमारी उम्र बढ़ा दी। अगर मैं आप चलो 1 महीना 5 रात जागे, ये रात घूमती रहती, फिक्स करने वाले थे अल्लाह ताला, बुखारी शरीफ में हदीस आई, बुखारी में ये रात फिक्स करने वाले थे, मगर फरमाया कान रजुला ने यख्तसिमा ने, दो मुसलमान झगड़ा कर रहे थे, तो झगड़ा करने की वजह से पूरा मजमा जोर से बोलो ये रात अल्लाह ने उठा ली और फिर रहम खाया कि चलो अब एक काम करो, 5 रात में ढूंढो इसको, मैं हर साल इसको घुमाऊंगा,
इससे अंदाजा लगाओ रमजान में झगड़ा अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। कोई लड़ाई करने के लिए आए तो कह दो अनसाइमन, मैं रोजे से हूँ। उलमा ने लिखा है कोई आगे चलकर लड़ाई करने जाए तो और ज्यादा बुरा, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। इंशाल्लाह बोलो ने भाई झगड़ा नहीं करेंगे, वाइफ के साथ भी नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि वाइफ के साथ तो हर वक्त जायज है। अरे वाह भाई वाह, वाइफ के साथ भी नहीं, मस्जिद में नान हलीम के लिए भी नहीं लड़ना, बाहर रोड पर भी नहीं, कहीं भी नहीं। कड़वा घूंट पीते सीखो। वलकाज़िमीन अलगैज़ वलआफ़ीन अन्निनास, गुस्से को पीने वाले, लोगों को माफ़ करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद। ये चीज़ें हम लोगों में आ नहीं रही। उम्र अगर एक रात तलाश की रमज़ान में तो हर साल 83 बरस और 4 महीने का सवाब। मैंने उस सकलेन मुश्ताक का आपको मैंने मिसाल दी, उसने कहा कि जब से इस काम में लगा हूँ कभी शबे कदर नहीं छूटी है। तो अगर हम एक रात गुजारेंगे, हर मुसलमान को चांस दिया है, तो 83 बरस 4 महीने मिल गए। अगर 50 रात मिल गई पूरी लाइफ में तो 8×5=40, 4000 बरस खड़े खड़े इबादत का सवाब तो शबे कदर की बरकत से मिल जाता है। और दूसरी नेकियां हमारी अलग, तो फिर हम जन्नत में इंशाल्लाह, बोलो जरा जोर से, जन्नत में सबसे पहले निकल जाए। जन्नत क्या है? जन्नत वो जगह है जिसके लिए लोग मर रहे हैं, लोग कर रहे हैं आखिरत की फिक्रें कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, इशराक पढ़ रहे हैं, गुनाहों से बच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं। क्यों? जन्नत। जन्नत क्या? वहाँ मौत नहीं, वहाँ बाल सफ़ेद नहीं होगा। आप देख रहे हैं मैं भी मेहंदी लगा रहा हूँ, अब 50 पर पहुँचने की तैयारी है। ये तो अल्लाह का निज़ाम है। जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा, जन्नत में पेशाब नहीं, टॉयलेट नहीं, बदबू नहीं। बड़े से बड़ा वक्का बादशाह हो, सुबह उठते ही पहले बाथरूम जाता है। इंसान को यही सोचना चाहिए, तू किस चीज़ पर घमंड करता है, तू पहले बाथरूम में क्या करता है वही सोच ले। तू जन्नत में नहीं है, तू दुनिया में। बीमारियाँ, हॉस्पिटल, दवाएँ जन्नत में नहीं होगी, एक्सीडेंट जन्नत में नहीं होगी। कुरान में है कि हल्का सा गम, हल्का सा, जिसको यूं कहा जाए 100 में से करोड़ों में हिस्से में का एक 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 तुनका, वो भी जन्नत में गम नहीं होगा। जन्नत में गम होगा तो उन घड़ियों का गम जरूर होगा, काश के उसको अल्लाह की याद में गुजारता तो बहुत अच्छा होता। रमजान मुबारक में ये इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह अपने हाथ में रखो, चलते फिरते। अब आपके तस्बीह टूटने का भी सवाल नहीं। मेरी भी टूट बहुत जाती थी सफ़र में, कभी पेन आ गई, चाबी आ गई, तो मैंने भी अब यही ले ली, बस इसको घुमा देते हैं। सुभान अल्लाह, इसमें हज़ारों की तादाद में आप रमज़ान में इसको उंगली पर ही रखो, सोने जाओ तो उतारो, बाथरूम जाओ तो उतारो, बस बाकी इसको हाथ पे रखो। ज़रा बोलो ना इंशाल्लाह। मैं अभी मिस्र की एम्बेसी में गया था पिछले साल, मुझे इजिप्ट होकर मुझे आगे जाना था। तो मैं जब गया वीज़ा के लिए, मैं तो हर साल तकरीबन जाता हूँ, तो वहाँ तो मैं अब गया तो नए आदमी आए थे एम्बेसडर वीज़ा ऑफिसर, उन्होंने टाई कोट और पेंट में थे, और वो 10वीं मुहर्रम था, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा सुन्नत है, मगर सफ़र में माफ़ है, तो मैंने नहीं रखा था, मैंने नहीं रखा, वो मैं सफ़र में था बम्बई में। रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है मगर सफ़र में माफ़ है, बाद में उसकी कज़ा करनी है। बीमार आदमी अभी माफ़ है, बहुत सख्त बीमार हो तो बाद में कज़ा कर ले। मगर आजकल जो शुगर प्रेशर के बहाने से रोज़ा छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। अब तो टैबलेट खा लो, बात ख़त्म हो गई, डबल ले लो, मगर शुगर प्रेशर के बहाने से आप रोज़ा छोड़ दो, नहीं चले। हाँ, ऐसी बीमारी जिसमें आप बिल्कुल ताकत नहीं आपकी। शुगर प्रेशर वाले तो इतना खाते हैं कि उनमें जितनी ताकत है किसी के पास भी ताकत नहीं। अभी मैं एक जगह बयान कर रहा था, संजाली गाँव है, तो सामने एक साहब बैठे थे, मैंने कहा क्या हाल है, खैर? कहा नहीं, शुगर बहुत है। मुझे शुगर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं मीठा खाता ही नहीं, चखता हूँ, क्योंकि मैं दवाओं का इलाज करता हूँ। लोग मेरे पास, अभी मैं असर के वक्त से बैठा था, ईशा अभी मगरिब तक मैं इलाज लिख रहा था, यहाँ लाइन लगी थी, तो मैंने कहा क्या हाल है, देखे शुगर कितनी है, इनका 350। मेरे सामने 2 कस्टर्ड के कटोरे पी गया, अल्लाह के घर में बैठा हूँ। मैंने कहा आपको 350 शुगर? मुझे शुगर नहीं, मैंने 3 चम्मच चखी। असल में लोग अकल से काम नहीं लेते, अकल से काम नहीं लेते कि बीमारी खतरनाक चीज़ है। तंदुरुस्ती बोलो बेशक 1000 नेमत है, मैं चखता हूँ खाता नहीं। डॉक्टर जब आपको कहे बीमार है अब मत खाओ, अब चख सकते हैं आप, खा नहीं सकते आप। शुगर प्रेशर के बहाने से आप रोज़ाना छोड़,
बहुत बड़ी महरूमी है आपकी कि आप रोज़ा छोड़। औरत पीरियड में आ जाए, बच्चा पैदा हुआ रमज़ान में, अभी रोज़े माफ़, बाद में कज़ा करनी पड़ेगी। नमाज़ें माफ़ है, रोज़े माफ़ नहीं, क्योंकि रोज़ा साल में एक ही बार आता है, उसकी कज़ा का हुक्म है। बहरहाल मैं कह रहा था आप हजरात के सामने, ज़रा सा पानी पिला। हुक्म मानो, रमज़ान मुबारक यूँ आते ही निकल जाएगी अगर शबे कदर हाथ में ना आई। क्या कह रहा था? हाँ, बम्बई एम्बेसी, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा था। कल रात नींद नहीं मिली तो दिमाग छोड़ देता है कभी कभी, तो मैंने उनसे खाने की चीज़ हदिया पेश किया। मुझे कहा या हबीबी व या अखी अलमस्र मंजिल का, अब आप मस्र पहुँच जाएंगे, आपका आपका ठिकाना आपका घर है वो। उसके बाद मैंने कोई खाने की चीज़, मैं तो मुसाफिर था, तो उन्होंने कहा या अखी अनसाइमन, टाई कोट पैंट में थे, दाढ़ी भी नहीं, कहा मैं रोज़े से हूँ। ज़ोर से बोलो भाई, क्या कहा? एम्बेसडर है इंडिया में, मिस्र की एम्बेसी का, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा सुन्नत है, मगर देखो लोग आखिरत की फ़िक्र में कर रहे हैं, करो। मैं तो मुसाफिर था इसलिए मैंने नहीं रखा। मैं अर्ज़ी ये कर रहा हूँ आप हजरात के सामने, लोग जन्नत के लिए कर रहे हैं, करिए। और अब जन्नत सुन लो, आखिरी बात, एक बालिश दूर है, सिर्फ एक बालिश। चंद बरसों में अल्लाह ताला एक झटके में दुनिया को उठा के फेंक दे, और आपको यकीन ना आए तो इस्तिखारा करके पूछ लो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको बतला देगा कि हाँ कयामत करीब है। अल्लाह ताला आपको खुद ही बतला देगा, आप अल्लाह से पूछ लो कि अल्लाह कयामत करीब है। बहुत लोगों ने मेरे नाम से पूछा कि अल्लाह वो मौलाना आ रहे क्या, कयामत करीब है। सच बात है, कितने लोगों को अल्लाह ने बतलाया कि अब मैं तौबा का दरवाज़ा बहुत जल्द बंद करने वाला हूँ। अब आप भी पूछ लो अल्लाह ताला से। अगर मैं 13 बरस से बोल रहा हूँ, कहीं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ तो उम्मत में जो चीज़ देख रहा हूँ वही बतला रहा हूँ मैं। अल्लाह ताला हालात क्या ला रहा है। बहरहाल देखो, कयामत के दिन दोबारा ज़िंदा होना है और अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अब सिर्फ 2 मिनट लेता हूँ, 3री मिनट नहीं होगी, मैं एक दलील दे दूँ फिर खड़ा हो जाता हूँ, वक्त हो गया। कयामत के दिन दोबारा ज़िंदा करने का काम पूरा मजमा, ज़ोर से बोलो, किसका है? और वो करके रहेगा। उसने कुरान में कहा कि अगर मैं कयामत के दिन मुर्दों को दोबारा ज़िंदा न करूं तो दुनिया के बादशाह तुम पर जुल्म करते हैं, कोर्ट के जज पैसे दे दो और तुम्हारे खिलाफ फैसला कर देते हैं। मुझे खबर है कौन सच्चाई पर है कौन ना हक, मैं कयामत के दिन इंसाफ न करूँ। ज़ोर से बोलो बेशक। तो अल्लाह फरमा रहे जालिमों की खोपड़ियाँ कौन तोड़े, बोलो भाई, अल्लाह के सिवा कोई तोड़ सकता? तो अब कयामत करीब आ गई। उसने कहा मैं तोड़ूंगा, एक दलील दे दूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि आज तक मरने वाले आज तक कब्र से आए नहीं। अल्लाह भाई अभी आकर काम क्या है, कयामत का दिन आने दो तो जो काम अल्लाह को करना है वो करेगा। मैं मिसाल दूँ आपको, आज कब्रस्तान में जितने छिपावार के कब्रस्तान में मरहूमीन है या दुनिया के कब्रों में, आज उनको ज़िंदा करने का क्या काम है? कयामत के दिन काम पड़ेगा, अभी ज़िंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो मैं मिसाल दूँ, ये मस्जिद जितनी भी अहमदाबाद में बनी उसमें मुसलमान मर्दों का पैसा है, औरतों का पैसा है, मदरसे बने, स्कूल बने, प्राइवेट मुसलमानों की, इनका पैसा, ये नेक काम करके गए वो। अल्लाह ताला चाहे तो आज भी उनको कब्रों से ज़िंदा करके, ज़ोर से बोलो बेशक, उनको हिसाब दे सकने की ताकत रखता है, मगर आज नहीं करेगा। क्या उनको आज ज़िंदा करके अधूरा सवाब दे? क्योंकि वो जो मस्जिदें बना कर गए, मदरसे बना कर गए, आज भी उसमें नमाज़ें चालू है, तालीम चालू है, आज भी उन मस्जिदों में एहतिकाफ चालू है, दावत तबलीग का काम चालू है, तालीम का काम चालू है, खानकाह निज़ाम चालू है। तो आज ज़िंदा करके क्या उनको अधूरा सवाब दे? अभी तो उनकी नेकियाँ चालू है, और पूरा मजमा ज़रा ज़ोर से बोलो बेशक, ताकि मुझे यकीन आ जाए बात समझ रहे, और उनकी नेकियाँ क़यामत तक चालू रहे, लिहाजा उनका हिसाब पूरा होगा। पूरा मजमा बोलो कौन से दिन पूरा होगा? तो जब जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, 2 विसल बजाएंगे कुरान में, पहला विसल बजेगा सारे जिंदा मर जाएंगे कुरान में, और दूसरा विसल बजेगा तो फरमाया 1 सेकंड में सारे मुर्दे जिंदा होकर कब्रों से खड़े हो जाएंगे। अरे भाई वो अल्लाह है, अल्लाह, जरा जोर से बोलो, अपने मालिक का नाम बोलो, वो कौन है? अल्लाह, जो पूरी कायनात का मालिक। इंसानों की बड़ाई ना मारो, अल्लाह की बड़ाई करो, वो सबसे बड़ा। सारे बड़े इंसान थे दुनिया में, मर गए। हमारे अहमद भाई पटेल कांग्रेस का कितना बड़ा लीडर था, यूँ समझो हुकूमतों की चाबियाँ उनके हाथ में थी, सरकार चलाते थे। मगर जल्दी से जवाब दो, उनका ओहदा, उनका कांग्रेस का लीडर होना,
सोनिया गांधी का सलाहकार होना, उनका हुकूमत का चलाना, पूरे इंडिया में एमपी वही बिठाते थे सीएम, पूरा मजमा जवाब दो, ये सब चीज़ें उनको मौत के वक्त बचा सकी? ज़ोर से बोलो भाई, बचा सकी? नहीं, वो अपना ईमान और आमाल लेके चले गए। बहुत पक्के नमाजी आदमी थे, तहज्जुद गुजार। उनके ईमान का बयान है कि जब दिल्ली से पीरामन गांव आते थे तो मौज़िन की अजान से पहले मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे और अपना कुरान घर से लाते थे, इतना परहेजगार, अपने कुरान में ही तिलावत करते थे। रमज़ान में उलमा को बोला कर दुआ खत में कुरान कराते थे, सारे मिनिस्टर लोग जमा होकर ईशा तरावी पढ़ते थे, वो अपनी नेकियां लेकर चले गए। इनकी ये मिसालें इसलिए देता हूँ ताकि ये नौजवान सबक हासिल करे। वो वेल एजुकेटेड थे, वो सोनिया गांधी के सलाहकार थे, ये प्रणब मुखर्जी और ये सब लोग उनको सलाम मारने जाते थे। मैंने खुद ने देखा, लाइन में खड़े रहते। और हमारे जैसे उलमा में किसी आलिम को भेजता था कि भाई स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराना, कि भाई मौलाना हमें उनके इंतज़ार में बैठना चाहिए, आलिमों को इंतज़ार में मत बैठाओ, उनको यहाँ अपने पास बुला के बिठा दे। बहरहाल इशारा कर रहा हूँ, इन लोगों की मौत से सबक हासिल करो। डॉक्टर अब्दुल कलाम चले गए, इंडिया के राष्ट्रपति थे, विद द बिगेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का बहुत माना हुआ साइंटिस्ट था, मगर चले। कयामत के दिन, जरा जोर से बोलो, बेशक बाहर वालों की भी आवाज, कयामत के दिन वो दोबारा जिंदा करने वाला है और अपने टाइम पर करेगा। वो ऐसे ही गुनहगार लोग, शराब अड्डा खोलने वाले, जीनाकारियां कर, आज भी उनको जिंदा कर सकता है और सजा दे सकता है, मगर क्या अधूरी सजा दे उनको? उनकी सजा, उनके गुनाह पूरे होंगे कयामत के दिन। लिहाजा जोर से बोलो, सजा भी मुकम्मल होगी कब? कयामत के दिन। लिहाजा दोबारा जिंदा करने की जरूरत, बस अब दुआ करा देता हूँ, जल्दी बोलो, उनको जिंदा करने की जरूरत कब पड़ेगी? लिहाजा जब टाइम आने तो। अब बड़ी निशानियां शुरू हो गई, चार बड़ी निशानियां हो गई, अब दज्जाल निकलने वाला, फिर हजरत ईसा और इमाम मेहदी आएंगे, फिर सूरज पश्चिम से निकलेगा और ये हमारी जिंदगियों में होगा। बस वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वादा करके जाओ, बात खत्म हो गई, कि इंशाल्लाह आखिरत की, कयामत की और जन्नत की और रमजान की, जोर से बोलो इंशाल्लाह, दुनिया के हर हलाल कामकाज के साथ, एजुकेशन के साथ, हलाल बिजनेस के साथ, बोलो इंशाल्लाह जोरदार तैयारी करेंगे। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी 10 मिनट ज्यादा हो गए, बस दुरूद शरीफ कर ले, 2 मिनट दुआ कर ले। आज मुबारक रात है, नमाज पढ़ के ही जाए। अपने फजल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हम बहुत गुनहगार हैं मौला, बहुत गुनहगार। ए अल्लाह तू अपने फजल से माफ़ फरमा, ए अल्लाह तू हमेशा जिंदा रहने वाला है, हम तो एक दिन कब्र में चले जाएंगे, किसी कब्रस्तान में मिट्टी हो जाएंगे और तू कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा, तो ईमान वालों में शामिल करना, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले हमें जमा फरमाना, तेरे अर्श के साये के नीचे जगा था। ए अल्लाह बहुत गुनहगार, हमें दुआ मांगनी भी शर्म आती, इसलिए कि हमारे हाथ भी गुनहगार, हमारे हाथ भी गुनहगार, जुबान भी गुनहगार, बदन का एक एक बाल गुनहगार, नमाजें छोड़कर, रोजे छोड़कर, जकात छोड़कर, हज छोड़कर, जीनाकारियां करके, शराब पीकर, ब्याज के कारोबार करके हमने आपको बहुत नाराज किया। अल्लाह हम सबको माफ कर दे और सच्ची और पक्की तौबा की तौफीक दे। इस मुबारक मजलिस में हम अपने माँ बाप को नहीं भूल सकते, जिन माँ बाप ने हमें बहुत प्यार से पाला है। अल्लाह ये गैस के चूल्हे नहीं थे, ये अच्छे रोड नहीं थे, ये खूबसूरत बिल्डिंगें नहीं थी, ये पंखे, एयर कंडीशन कमरे और एयर कंडीशन गाड़ियां नहीं थी, हमारी माओ ने और दादियों ने अल्लाह लकड़ियां जला जला कर हमको रोटियां पकाकर खिलाई है, मदरसा और स्कूल भेजा है। अल्लाह उन माँ बाप का एहसान नहीं भूल सकते, अगर वो कब्रों में है तो उनकी तो मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना दे, तो उनसे राजी हो जा। हमारे उस्तादों की भी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, हमारे सब के बैठने को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल कबूल फरमा। वाखिर दावाना रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। समीअना अल्लाह। एक ऐलान सुन लें, कोई आदमी मुलाकात की कोशिश न करे, मुझे अभी सफ़र करना है,
और मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचकर 12 बजे पहुंचना है। मैं आपको सलाम करता हूं, आप सलाम का जवाब दे दो, बाहर निकलो, इंतिशार मत करना, प्यार मोहब्बत से निकलो, धीमे धीमे डिस्टेंस का ख्याल रखो। अस्सलामुअलैकुम।